हाँ तो गाइस अब बात करूंगा जेवलिन किन रीज़न क्या हैं जो जेवलिन को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देते, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो मोस्टली जो रीज़न है वो कई तरह के हैं, जैसे मैं बताऊं उंगलियों पे गिना देता हूं। पहला रीज़न रनवे सही नहीं होना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। जिसका रनवे का फ्लो अच्छा नहीं है वो जेवलिन डिस्टेंस दूर नहीं फेंक पाएगा। आपने बहुत देखे होंगे जिसने भी 80 प्लस बोलूँगा, चलो लोअर बोलूँ तो 75 भी वो बंदा मारता है जिसका कुछ ना कुछ रनवे है, कुछ ना कुछ। जिसका बिल्कुल ख़राब है वो नहीं मार पाता। सेकंड, ड्रिल्स और कोऑर्डिनेशंस वो कितना मायने रखते हैं हमारे लिए। ये हाथ सीधा रुकता है कि नहीं लास्ट में, हम ड्रिल क्यों करते हैं। हम बार बार जिसकी राइटिंग गलत ख़राब होती है वो 10-10 पेज लिखता है उसकी राइटिंग ठीक हो जाती है। तो जितनी ड्रिल्स करेंगे उतना हमारा फ्लो ठीक हो जाएगा। लास्ट में अटैकिंग में पोजीशन कहाँ बढ़ानी है कहाँ नहीं बढ़ानी, ये चीज़ होनी चाहिए। अब देख लो अपर पोर्शन को बताऊँ तो ये पैर लगने से पहले, एक्चुअली ये पैर लगने से पहले ये हिप चल जाएगी। बहुत सारे कोचेज हैं, मैं गलत नहीं कहता क्योंकि गलत कहना गलत है, वो ऐसे सिखाते हैं आपको ये चीज़ लग गई देन हिप घुमानी। बट अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ पहले चलेगी। ऐसे खड़े हैं हम इसके ऊपर ही, ये पीछे नहीं जाना, गिरना नहीं, यहाँ रखे ये चीज़। अब ये चल गई देन ये चीज़ यहीं रहेगी, ये घूमेगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। ध्यान से देखना आप, पहले ये पैर लगा है, ये चल गई पंजे के ऊपर हूँ मैं, कैंची बनी हुई है लंबी, वहाँ पैर यहाँ हाथ, ये अब कैंची इस साइड बनी है, यहाँ हाथ यहाँ पैर। अब ये दोनों बन के यहाँ से ही फॉलो थ्रू उठिएगा, 1 and 2 कुछ गिर जाते हैं, गिरना भी सही है। तो ये मूवमेंट्स ओनली ड्रिल से आएंगी, हिप चलाने की मूवमेंट, ब्लॉकिंग मूवमेंट, जेवलिन स्टे मूवमेंट या कुछ भी। तो ये रीजंस हैं सारे। फुटवर्क जिनका कमज़ोर है वो जेवलिन नहीं फेंक पाते, नहीं फेंक सकते। फुटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जेवलिन जो है वो पैरों से 60-70% पैरों से फेंकी जाती है, 60% 40% हाथ से फेंकी जाती है, ठीक है। जेवलिन के लिए हाथ ही मजबूत होना गलत है। जिसके पैर मजबूत नहीं है, कमर मजबूत नहीं है, बैक, वो जेवलिन नहीं फेंक पाते। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को उसके लायक बनाओ, जेवलिन के लायक। तो वो कैसे बन सकती है, अच्छी ट्रेनिंग। एक्सप्लोसिव आपका ख़राब हुआ तो नहीं मार पाओगे थ्रू, जिसमें जंप्स आ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ख़राब हुई तो जेवलिन नहीं मार सकते हो, स्पीड नहीं है तो जेवलिन नहीं मार सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या काम करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज़ के साथ जेवलिन को चिपका के रखती है, ये चीज़ के साथ, ठीक है। आप चले जाते हो, आपने देखी होगी नीरज की अगला पैर लगा है हाथ वहीं है, जिलेंजनी की देखी होगी अगला पैर लगा है हाथ वहीं है, उबे हॉन की देखी होगी अगला पैर लगा हाथ वहीं है। तो ये कैंची बढ़नी बहुत ज़रूरी है, 1 and 2 और हिप चली हो आगे को, ये डायरेक्शन हो इस साइड। सिंपल बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश किया करो। और रीज़न बहुत सारे हैं, तो जेवलिन का डाउन हो जाना, मारते टाइम लेके आ रहे हो क्रॉस में और लास्ट में आके ये हाथ ऊपर हो गया, ये डाउन हो गया, तो ये बिग फॉल्ट है। फिर जेवलिन ऊपर यहीं छूट देगी और कईयों की छूटती भी होगी। तो इसके लिए क्या करना है आप सबको, पीछे रबड़ बांध सकते हो ऊपर, ना के नीचे रबड़ बांध के खींचनी है, ऊपर रबड़ बांधो थेराबैंड और उसको खींचते जाओ, स्ट्रेच करते जाओ ये चीज़ को, ये ऐसे खींचनी, ऐसे ऐसे चलाना है पैर, और ऊपर को जंप बिल्कुल नहीं लेना ये चीज़ में, हमें ड्राइव करवानी है आगे को, ठीक है। आपको ड्रिल्स बोलता हूँ, ये पेंडुलम, पेंडुलम बोलते हैं ना वो हिलता है, तो पेंडुलम ये चीज़ है। अब पेंडुलम यहाँ लैंड करने के बाद ऐसे नहीं होगा, बैक नहीं जाएगी बॉडी, ये नहीं जाएगी, पेंडुलम बस ख़त्म, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, गया वो नहीं है। बस इसकी टो लगानी है, ध्यान से देखना टो कितनी देर इसके ऊपर रुकता हूँ, वीडियो बार बार वो कर लेना, ये बस। अगला पैर लगने के बाद हिप चल रही है,
ठीक है, ना कि ऐसे लगता है। ये गलत है, ये बहुत गलत है कि हम ये हिप हमारी यहीं है, पैर यहीं है, ये चीज़ और ये लग गया और जैवलिन हम मार रहे हैं, ये बहुत गलत है क्योंकि हिप चली नहीं है आपकी। हिप को चलाना है। ओके, मैं कुछ जैवलिन के साथ आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये जैवलिन है, कैरी कर ली, यहाँ हाथ रख लिया। अब इसके थ्रू इसको साथ में ही चढ़ा देना या लंबा रखो, लंबा रखो इसको, इस हाथ को, ये पोजीशन बनानी है, ठीक है। पीछे से आके एक बार वीडियो बनाओ। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जैवलिन वहाँ से नहीं हिलेगी। आपने चाहे अंदर रख रखी है जैवलिन इस साइड, चाहे इस साइड, मान लो मैंने यहाँ रखी है, यहाँ से जैवलिन नहीं हिलनी चाहिए, ऊपर से जैवलिन ये नहीं, डांस नहीं करवाना इसका, ये चीज़ ये यही वही जैवलिन रखनी है अंदर। और यहाँ से चिपकी हुई, मैं बोलता हूँ ना कि चिपका के मारनी है आपको। इस साइड से अगर स्लो मोशन में दिखाऊं, ये चल गई, ये चीज़ यहाँ 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 से निकल के जाएगी, ऐसे हो सकती है, बट ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, ये बहुत गलत है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, इन चीज़ों की वजह से जैवलिन कभी आगे नहीं जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आप, यार बोलते बोलते सांस चढ़ गया। अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर देने में, पर प्रॉब्लम ये है कि समझाया हुआ क्वेश्चन उसको बार बार आप सुन के ठीक कर सकते हो, पूछ के वो गलत है। मैं इजी वे में बताता हूँ, सबसे इजी वे में तीन टाइप के ग्रिप हैं, फिनिश है, अमेरिकन है और वी है। सिंपल भाषा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है, ये वाला। अब मैं बताऊँ, मैंने जैवलिन कैरी करी और ये रहा मेरा, अब इसी में ही मारना है ये, ठीक है, अंदर रख के। तो फिट मूवमेंट भी आपको बता दी मैंने के लास्ट में ऊपर नहीं जाना है, ये घुटना लगेगा, ये बेंड टो पे, नॉट एडी पे, टो बेंड आगे की तरफ, देन ये आगे की तरफ, ये हिट। देखो कितना सिंपल बता रहा हूँ यार, और ये बॉडी को छेड़ना नहीं है ये इसको। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ बताते हैं जैवलिन को इस तरीके से, ये मेरे को एक बार भी आपने ऐसे करते देखा, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, क्योंकि हमने ये बॉडी, आप पीछे से वॉच करना, हमने ये बॉडी गिरा दी, यहीं रहना, ये बॉडी को गिरा दिया, चेक करना, हाथ वहीं रहेगा, हमने ये बॉडी गिरा दी। मैं क्या बता रहा हूँ, ये बॉडी को यहीं होल्ड रखना है, देन इसको ब्लॉक करना है, पर बॉडी फिर भी गिरेगी नहीं। जितनी इस बॉडी को स्टेबल रखोगे उतनी लेंथ लंबी मिलेगी। कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़े सीक्रेट हैं जो आपको बता रहा हूँ, और मुझे इनको सीखते सीखते यार ज़्यादा नहीं तो 22 साल लग गए, तजर्बा अभी तक सीख रहा हूँ, और अच्छी चीज़ें सीखूँगा जिससे इजी वे में आपको बता पाऊँ। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना अगर आपको लगे कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है हमारे लिए। एथलेटिक्स के कुछ इवेंट्स उनके लिए भी है, जंपर्स के लिए भी है, कुछ चीज़ें के एक्सप्लोजिव मस्ट है, स्पीड मस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट है, तो स्प्रिंटर्स के लिए भी है और ऑल थ्रोअर्स के लिए है, तो वो चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।